व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? आपने लास्ट वाला थार का वीडियो देखा होगा जहाँ पे आई हैड टॉक्ड अबाउट सम नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स ऑफ द थार एंड वी वर नॉट एबल टू डू सम प्रॉपर ऑफ रोडिंग इन द थार. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज वीडियो. आज हमने ग्रेटर नोएडा में पीछे के सेक्टर्स में एक एरिया ढूंढा है जहाँ पे एक अच्छी खासी सी ऑफ रोड टेरेन है. सो दिस इज़ द टाइप ऑफ अप्रोच दैट वी आर ट्राइंग टू टेक. वहाँ से हम फुटपाथ पे थार को चलाएंगे स्लोली स्लोली अप्रोच का ध्यान रखते हुए. एंड इधर भी देखो तो काफ़ी ऊंचा है ये जो फुटपाथ को यहाँ से चढ़ना पड़ेगा. तो 4H मोड ऐसी जगह के लिए चाहिए होता है जहाँ पे कार के टायर स्लिप्स ना करें. थोड़े बहुत ऑफ रोड ओरिएंटेड टायर डले हुए हैं जो स्टॉक टायर्स आए हैं महिंद्रा के. होपफुली दे आर एबल टू डू इट विद द 4H टेक्नोलॉजी दैट इज़ देयर. तो यहाँ से चढ़ के उसके बाद वी एंटर इन टू द लूज सर्फेस. थोड़ी सी वेट हो सकती है सर्विस बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारी बारिश हो रही है नॉर्थ इंडिया में पिछले 4-5 दिनों से. एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. यहाँ से इफ़ यू सी दिस प्लेस थोड़ा सा लूज है. इधर आके वी आर ऑन दिस डिसेंट सॉर्ट ऑफ अ सर्फेस विच इज़ प्रिटी सॉलिड. अभी एक्चुअली थोड़ी देर पहले इस वाली पर्टिकुलर यू नो ट्रैक को चूज़ करने से पहले वी वर थिंकिंग कि हम थार को उस साइड से लाएंगे और इस घर के इधर से जो भी ये कंपार्टमेंट बना हुआ है इसके इधर से सीधे इसके अंदर लाएंगे. बट इस पानी की डेप्थ हमें पता नहीं थी. सोच रहे थे वहाँ से थार लाएंगे नीचे और सीधे इसके अंदर ले जाएंगे. नॉर्मल देखने में पानी कोई ऐसा लग नहीं रहा हार्मफुल होगा, ऐसा लग रहा है सरफेस पे ही वाटर है. बट इसके अंदर अभी हमने ना एक पत्थर फेंका तो इसकी डेप्थ का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा और अच्छा हुआ हम नहीं लेके गए, नहीं तो बहुत बड़ा पंगा पड़ सकता था. ये पत्थर है देखो, ये हमने फेंका इसके अंदर, पता नहीं कहाँ गया. आई थिंक 1.5-2 feet गहरा तो लगी रही है जगह मुझे. यहाँ पे ना ये सारा सरफेस बहुत ही काइंड ऑफ लूज एरिया है, ऐसा लग रहा है कुछ दलदल भी हो सकता है यहाँ पे. लेट्स सी. बट जिस एरिया में हमें जाना है ये वाला, ये सॉलिड लग रहा है. इधर आई थिंक ईजिली थार चढ़ जाएगी. इसुजू भी होती तो चढ़ जाती, बट लेट्स सी हाउ कम्फर्टेबल वी फील टू डू सम ऑफ रोडिंग ऑन द थार. बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग मैं करूँगा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट वॉन्ट टू डैमेज द कार इन एनी वे. इस गाड़ी को प्यार से रखना है तो थोड़ा बहुत करेंगे. इधर से आपको जो पूरा असेंड है उसका आइडिया होगा. ये देखो, इसको चढ़ने में मज़ा आएगा. देखते हैं थार चढ़ पाती है नहीं चढ़ पाती. अच्छा खासा ऊपर नीचे वाला सीन है भाई. जो 4L मोड है उसको प्रॉपरली टेस्ट आउट करते हैं. सो गाइज, लेट अस स्टार्ट. लेट अस पुट दिस थिंग इन द 4H मोड. एंड जो 4H मोड है उसमें आराम से हमारी जो थार है फुटपाथ चढ़ जानी चाहिए. सो लेट्स गो यहां से ना. ओके आराम से, इजी बॉय, इजी. लेट्स, वी आर ऑन द फुटपाथ, नो इश्यूज एट ऑल. ओके ठीक है. तो मैं वहां से लेके जाऊं कहां से? ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं. यहां से लूं, इधर से काटना शुरू करूं? देखो क्या इशू है. ये जो ऑफ रोड वाला पाथ करना होता है, खास करके जो ऐसा प्रॉपर ऑफ रोड ट्रैक हमने चूज़ कर लिया है यहाँ पे, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है. सरफेस ठीक ठाक लग रही है बट एक दिमाग में ना हल्का सा रिस्क रहता है. सो दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू डू इट वेरी वेरी स्लो. फर्स्ट प्रायोरिटी इसके थार को कुछ ना हो तो वी आर डूइंग इट वेरी स्लो. कोई जल्दी नहीं मचा रहे. आशिर, मुझे आगे का दिखेगा नहीं, आगे का दिखेगा नहीं, आप बताओगे? स्टार्ट सीधा लाइए, धीरे धीरे. ठीक है, धीरे-धीरे लेके आइए. सीट बेल्ट भी पहन लेते हैं यार, पता लगे कुछ माशाल्लाह काम हो जाए. ले आइए. हां, कोई नहीं, बहुत पतला सा पत्थर है दादा जी. ठीक है, ले आइए. ये ठीक है, इधर. ओके, थोड़ा सा हां, ले आइए. अपनी राइट और लेफ्ट में लीजिए. हां, धीरे-धीरे उतार लीजिए. इधर कर लीजिए. हम्म, ये बाबा भाई थोड़ा सा इधर से. हां, Oh my God. थोड़ा सा इधर से.
ओहो इजी परफेक्ट 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 ले 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 आगे 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 बहुत ही बढ़िया awesome. तो नीचे तो आ गए, अब ऊपर जाने का काम करना है. ऊपर कैसे जाया जाएगा, पीछे तो जगह है ना. भाई साहब ऊपर जाने के लिए 4L करना पड़ेगा. अभी तो 4H में आई है. हाँ, नीचे आने में तो मोमेंटम होता है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट अभी ऊपर चढ़ाने में जब पावर लगानी पड़ेगी ना 4L मोड में, तो देखना पड़ेगा कैसे सीन होता है. तो अभी इसको 4L मोड में लगाते हैं. एज यू कैन सी अभी है 4H पे, न्यूट्रल पे ला के. आर वी इन 4 लो नाउ? यस यस वी आर इन 4 लो. बताओ स्ट्रेट अगर मैं लेके जाऊं तो कोई इशू होना नहीं चाहिए मुझे नहीं लगता. ठीक है ठीक है, चलो 4L पे चालू हो गया मामला. मुझे लग रहा है मोमेंटम से लानी पड़ेगी थोड़ी. ओह ओह बहुत आराम से चढ़ गई. मार कुछ ही नहीं था सीन 4L में, तो ग्रिप क्या आई है सामने बताना जरा बाहर निकलने के लिए. टेंशन ज़्यादा क्रिएट हो गई दिमाग में कि होगा कि नहीं होगा. एक सेकंड में थार ने तो चढ़ा दिया ऊपर, कोई इशू ही नहीं था. 4L में हल्का सा मोमेंटम की ज़रूरत पड़ी थी. विदाउट मोमेंटम मैंने पहले स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि स्पीड ना पकड़ पाए, ऐसा दिमाग में ये भी घूमता है कि गाड़ी ऐसी ना हो जाए. ठीक है, अरे इतने कैमरा की एडिटिंग कौन करेगा, पागल बना दूंगा मेरा आप. सो अब ये फुटपाथ उतरना तो इतना ईजी लग रहा है ना, सीन ही नहीं है मामला. चढ़ यार, ईजी बॉय. बस थोड़ा सा गाड़ी के हम बॉटम का ध्यान रखते हैं क्योंकि अपनी गाड़ी है भाई, खराब नहीं होने देनी. यो 4L का काम हमारा खत्म हुआ. सीन ही होता है कि थोड़ा सा भी ऑफ रोड होना तो दिमाग लगाना पड़ता है, पहले समझना पड़ता है कि किस पाथ को लेना है आपने, किस लाइन को लेना है. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू बी वेरी श्योर ऑफ, क्योंकि इस जगह पे ऑल्दो ऐसे ट्रैक्स काफ़ी सारे हैं ग्रेटर नोएडा में, बट अगर कोई फंस गया ना तो विंच एंड वो जो पुलिंग मैकेनिज्म होता है वो हम लोगों के पास है नहीं, वो कहाँ से आएगा, तो और एक लंबा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. इसलिए आप ना हमेशा जब भी ऑफ रोड जा रहे हो, या तो आपकी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा हो दैट यू कैन काइंड ऑफ गेट अ व्यू ऑफ ऑल अराउंड, कहाँ पे कैसा डिप्रेशन आ रहा है, कैसा एकदम से चढ़ाई आ रही है, कोई मोटा पत्थर तो नहीं है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जितनी मर्जी हो गाड़ी की, इस गाड़ी की 225 mm ग्राउंड क्लियरेंस है विच इज़ ह्यूज, बट स्टिल कोई भी शार्प रॉक हो अंडर बेली हिट करके गाड़ी को ख़राब कर सकता है. दैट इज़ वाई आई वॉज टेकिंग हेल्प फ्रॉम अशीर हु वॉज काइंड ऑफ फिल्मिंग ऑल दिस, बट एट द सेम टाइम ही वॉज गिविंग मी डायरेक्शन टू टेक द राइट लाइन वाइल गोइंग डाउन एंड कमिंग अप. डाउन जाने में भी एक इशू हो जाता है कि डाउन जाते समय एकदम से स्पीड बढ़ जाती, तो उसमें हल्की सी गलती भी ना अच्छा खासा हिट कर देती है अंडर वैली में. दैट इज़ वाई आप नीचे जब आ रहे हो तब भी ध्यान रखो, और जब ऊपर आ रहे हो तब तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. सो द नॉर्मल सर्फेसिज, लूज सर्फेसिज डैट यू गेट नॉर्मली ऑन हिल स्टेशन एंड ऑल, मे बी आप लद्दाख स्पीति भी कर रहे हो ना, तो उसमें 80-90% ऑफ द टाइम यू कैन ईजिली गेट बाय विद यूजिंग जस्ट 4H वाला मोड. बट वेन यू गेट सच टेक्निकल टेरेन, जैसे अभी हमने ये जो करा था सेक्शन जिसमें लूज सर्फेस भी थी और इंक्लाइन भी था, मोमेंटम भी पिकअप करना था और लाइन का भी क्लैरिटी नहीं थी, इस जगह पे बिल्कुल ब्लाइंडली एक बार ही एक्सेलरेटर दे के नहीं निकाल सकते. अगर आप बीच में कहीं फंसे हो और अचानक से यू नीड ऑल द टॉक इन वन गो विद जस्ट द स्लाइटेस्ट ऑफ प्रेसेस ऑन द एक्सेलरेटर, देन 4L इज़ वेरी यूजफुल. सो दैट इज़ व्हाट वी वर ट्राइंग टू शो यू गाइज़.